नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। मैं आपके साथ रंदिरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कभी लालू यादव के खसम खास रहे मोहम्मद अली अशरफ फातमी आज जदयू के दामन थाम लिए हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने फातमी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर फातमी के साथ सैकड़ों समर्थकों ने जदयू का सदस्यता ग्रहण किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। अगर पहला स्टेट था मेरे जानते हुए जिसमें महिलाओं को आरक्षण देने का काम हुआ। इससे पहले नजीर नहीं मिलती या कहीं हो तो हो, लेकिन वो भी एक बड़ा कदम था कि हमारी महिलाएं जो हमारी जो घर की औरतें हैं वो निकलें और वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना पॉलिटिकल हलके में अपना हिस्सा लें, ये भी उनकी एक। बता दें कि फातमी एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी छोड़ना दर्द की बात होती है, लेकिन जब सियासत में पैसा महत्वपूर्ण हो जाए तो वहां हम जैसों का रहना कठिन हो जाता है। आपको बता दें कि अली अशरफ फातमी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही राजद से बगावत किया था। इस दौरान उन्होंने चुनाव में वो दरभंगा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। कभी दरभंगा सीट को लेकर महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के कोटे में चली गई। इससे नाराज फातमी ने न केवल राजद में विद्रोह किया था बल्कि चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर डाला। उनके इस फैसले के बाद राजद के फातमी निष्कासित कर दिया गया था। चुनाव खत्म होने के बाद हाल ही में खुद फातमी ने जदयू में शामिल होने का घोषणा भी किया और आज वे जदयू में शामिल भी हो गए। फातमी सीमांचल के इलाके में अल्पसंख्यकों का कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। खैर, फातमी के जदयू में शामिल होने से नीतीश कुमार की पार्टी सीमांचल में बेहद मजबूत हो जाएगी। अब अल्पसंख्यक समाज की बड़ी आबादी का मतदान जदयू के पाले में आएगा। बहरहाल, बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू ने नब्ज पकड़ने में माहिरता जाहिर की है। इसकी तस्दीक जदयू की लगातार जीत को माना जा सकता है। दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नीतीश कुमार सत्ता में काबिज सिर्फ महिलाओं के वोट बैंक से सपोर्ट में आते हैं, जबकि जदयू एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के लिए जनता का मन टटोला है और पब्लिक मूड को देखते हुए रणनीति बनाने में जुटी है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को आप देखते रहें न्यूज वन इलेवन। नमस्कार। न्यूज वन इलेवन के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।